दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का खासा महत्व होता है। लोग घरों में माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं माता लक्ष्मी की मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की भी खासी डिमांड भी बाजारों में रहती है। मिट्टी के दीपक और प्रतिमा की खरीदी भी बाजार में देखने को मिली है। ऐसे में महंगाई का थोड़ा बहुत असर ही बाजारों में देखने को मिला है। दूर दराज से छोटे फुटकर व्यापार करने वाले लोगों ने दीपावली की खरीदी पर महंगाई को लेकर एमपी न्यूज से क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 5 दिनी दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज से ही 5 दिन तक लगातार दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, फिलहाल जो मिट्टी की प्रतिमा बनाने का जो चलन इंदौर में शुरू हुआ है वो अब यहाँ पर भी पहुँच चुका है। राजवाड़ा पर इस वक्त मौजूद हैं। ये जो मिट्टी की प्रतिमा यहाँ बनी हुई है लक्ष्मी जी की, और जो साथ में ग्वालन होती है उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और टोटल यहाँ जो है मिट्टी की प्रतिमा को बनाया गया है। दिए भी यहाँ पर रखे हुए हैं और उसी के साथ ये जो मिट्टी की प्रतिमा है ये यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम यहाँ पर ये आपको बता दें कि किस प्रकार से इस पूरी चीज़ों की तैयारी की जाती है और कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है और बाज़ार की क्या स्थिति है फिलहाल में, क्योंकि लगातार ऐसा माना जा रहा है कि लोगों का यह कहना है कि महंगाई का समय है, लेकिन फिलहाल जो बाज़ार की रौनक देखने को मिल रही है वो ऐसा बताती है कि महंगाई होने के बाद भी लोगों में उत्साह काफ़ी है। क्या किस प्रकार से ये जो पूरी चीज़ें हैं जिनको तैयार किया जाता है, कितना समय लगता है और कितनी मेहनत? 8-9 महीने लगते हैं इनको बनाने में, कलर करने में, सब में। मिट्टी का पूरा होता है? हाँ, मिट्टी का बनता है। बाजार की बात करें तो किस प्रकार का है, क्या लगता है आपको? किसा थोड़ा ठंडा है बाजार का माहौल। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत ठंडा है। अगर महंगाई की बात करें तो उसमें कुछ फर्क पड़ा पहले से अभी तक? अभी फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, 1 रुपए का एक ही दिया बिक जाएगा। हाँ, मतलब महंगाई बढ़ी है लेकिन अभी भी जिस प्रकार से जो पहले का भाव था उसी में ग्राहक है ना, मतलब वो सस्ते में ही मांगते होंगे। ये यहाँ पर जो है ग्राहक जो है सस्ते में ही मांगते क्योंकि महंगाई का समय है, और उसके बावजूद भी जो पहले का जो यहाँ पर बाज़ार था, जो पुराना बाज़ार था, उसी हिसाब से यहाँ पर रेट तय किए हुए हैं। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और सामान यहाँ पर जो खरीदती हैं महिलाएं, ख़ास तौर पर महिलाएं जो रहती घर को सजाने का काम करती, घर को संवारने का काम करती, और उसी को लेकर यह जो प्रतिमाएँ खरीदने का यहाँ पर काम है वो भी ज़्यादातर महिलाएँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं जो प्रतिमाएँ यहाँ पर खरीदती हैं। फिलहाल ये जो मिट्टी की प्रतिमा है इसका निर्माण काफ़ी मेहनत से किया जाता है, और उस जो बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में भी अभी फ़िलहाल वही स्थिति बनी हुई है। बाज़ारों में भीड़ है, रौनक है, और यहाँ कहीं ना कहीं जो महंगाई की बात करें तो महंगाई का ऐसा कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी लोग जो है यहाँ पर महंगी सामग्री होने के बावजूद भी खरीदने के लिए पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल में यह जो राजवाड़ा का मुख्य बाज़ार है और यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जितने भी लोग हैं इंदौर में वो पहुँचते हैं, और जो निर्माण है वो यहाँ पर जो सामग्री का निर्माण है वो करने के बाद यहाँ पर बिकने के लिए आती है। फिलहाल अभी हम आपको आगे का और माहौल भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल राजवाड़ा पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आगे आपको बताएँगे कि और क्या क्या खरीदारी करने के लिए, क्या क्या चीज़ें लेने के लोग राजवाड़ा पहुँचे हैं।